सियासी मंजरनामे से आपको बताएं कि सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत कश्मीर के मामले पर गैर संजीदा है। नामुकम्मल BRT मंसूबे की सतह से लगता है कि हुक्मरानों को अपने जाने का यकीन हो चुका है। इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि कश्मीरी रहनुमा इस्लामाबाद के रवैये से नाला है और वो समझते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कश्मीर प्लेट में रखकर भारत को दे दिया। अपने एक बयान में सिराजुल हक ने कहा कि हुक्मरानों ने कश्मीर पर बयानबाजी के सिवा कोई संजीदा कदम नहीं उठाया। अमीर जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार की 2 साल कारकर्दगी को नाकिस करार देते हुए कहा कि मुआवजे पर बैरून मुल्क से मौशी माहिरीन की खिदमत हासिल की गई, इसके बावजूद अभी तक हुकूमत की कोई भी मौशी पॉलिसी कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इख्तलाफ का शिकार है, जिसके बायस हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलने का भी अंदेशा नहीं। इसके बावजूद हुक्मरान सहमे हुए हैं, यूँ लगता है कि हुक्मरानों की मुद्दत पूरी न होने का यकीन हो चुका है। सिराजुल हक ने पिशावर के BRT मंसूबे को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि ना अहल हुकूमत चंद माह के मंसूबे को सालों में भी मुकम्मल ना कर सकी और ये अभी तक नामुकम्मल है। इसके बावजूद हुक्मरान बस सर्विस का इफ्तिताह करके अपना शौक पूरा कर रहे हैं।